नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है, हमसे जाया ना गया, उनसे बुलाया ना गया। हमसे जाया ना गया, उनसे बुलाया ना गया, फासला मोहब्बत में दोनों से मिटाया ना गया। ये गाना बताइए किस पर लागू होता है? ठीक समझे आप, अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर। सीख जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और सचिन पायलट ने कुछ दिन पहले शायद जोधपुर में कहा था पत्रकारों से बातचीत में कि 100% वो जाएंगे जालोर में वैभव गहलोत के लिए प्रचार प्रसार करने। साथ ही उन्होंने फिर जोड़ा था कि पिछली बार 2019 में भी कैसे वो दिल्ली तक गए थे वैभव गहलोत को टिकट दिलाने के लिए, और कैसे उस समय भी उन्होंने मदद की थी। वो बात और है कि वैभव गहलोत को अशोक गहलोत ही नहीं जिता पाए थे जोधपुर से, और फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ था कि मदद नहीं की, पूरे दम से सहयोग नहीं किया। ये तमाम चीजें भुला दी जाए, इस समय वो 2019 की बात थी, लेकिन ये 2024 की बात है। लेकिन जो सचिन पायलट कहते हैं 100% जाएंगे प्रचार के लिए और जीत में एक भूमिका निभाएंगे वैभव गहलोत की, वैभव गहलोत ना जब नामांकन पर पत्र भरते हैं तो सचिन पायलट वहां मौजूद नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं अशोक गहलोत ने बुलाया ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं सचिन पायलट उस समय मसरूफ थे दूसरी जगह तो गए नहीं। मुझे नहीं मालूम हकीकत क्या है, लेकिन अब एक अखबार में सचिन पायलट का इंटरव्यू छपा है, अंग्रेजी अखबार में। उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप कब जाएंगे, तो उनका कहना था, गौर कीजिएगा, सचिन पायलट का कहना था कि देखिए मैं चुनाव प्रचार में जाता हूं अगर मुझे कोई उम्मीदवार बुलाता है, या फिर मैं चुनाव प्रचार में जाता हूं AICC जहां जाने के लिए कहता है, राजस्थान हो या देश का कोई भी हिस्सा हो। तो दो चीजें उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दी। वैसे भी सीधी सी बात है, बिन बुलाए मेहमान की तरह तो कोई जा नहीं सकता। चुनाव प्रचार में सचिन पायलट अगर गए तो सभा आयोजित करनी पड़ेगी, वैभव गहलोत को समय निकालना पड़ेगा, अशोक गहलोत को भी मंच पर मौजूद रहना पड़ेगा, फिर वैभव गहलोत तय करेंगे कौन सी जगह होनी चाहिए, सचिन पायलट तय करेंगे कि कौन सी जगह होनी चाहिए जहां ज्यादा बड़ी सभा हो सकती है, फिर भीड़ भाड़ का इंतजाम करना, तमाम चीजें होती हैं। तो अब कहानी क्या है? सचिन पायलट ने तो कह दिया कि AICC जहां जाने को कहती है मैं वहां जाता हूं। तो क्या AICC ने अभी तक जालोर सिरोही सीट में चुनाव प्रचार के लिए जाने के लिए नहीं कहा है? यानी नहीं ही कहा होगा। कब कहेगा AICC? लोग कह रहे हैं अभी से आपको इतना उतावलापन क्यों है, 26 अप्रैल को चुनाव है वहां पर, 24 अप्रैल की शाम के 5 बजे तक प्रचार है, अभी पहले चरण में प्रचार में 2-3 दिन मुश्किल से बचे हैं, 17 अप्रैल को 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 दिन में चले जाएंगे। आखिर 7 दिन में उन समय 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वैभव गहलोत तो कह सकते थे सचिन पायलट से, उम्मीदवार ने भी नहीं कहा क्या? अशोक गहलोत तो कुछ लोग कह रहे हैं चलिए नाक का सवाल है, नहीं कहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं अशोक गहलोत को भी जब राजनीति है, राजनीति में जैसे प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, वैसे राजनीति में भी सब कुछ जायज होता है। स्थायी रूप से ना कोई दोस्त होता है, स्थायी रूप से ना कोई दुश्मन होता है, थोड़ा झुकना पड़ता है। जब अपना खुद का स्वार्थ हो तो थोड़ा और ज्यादा झुकना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक जीवन में कोई समझौते नहीं किए हो। और यहां तो कौन सी विपक्षी पार्टी के नेता को बुलाना है, अपने ही पार्टी के अपने ही उप मुख्यमंत्री रह चुके, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सचिन पायलट को बुलाना है और उसका पॉजिटिव मैसेज जाएगा, लेकिन नहीं बुलाया गया है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई कांग्रेस खेमे में, तो कुछ लोगों का कहना है कि साहब अशोक गहलोत नहीं चाहते कि उनके बेटे की जीत में सचिन पायलट की कोई भूमिका हो, अपनी जीत के प्रति कोई इस कदर आश्वस्त है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट भी कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, वो जाना ही नहीं चाहते।
इसीलिए उन्होंने ये कह दिया कि उम्मीदवार बुलाता है तो जाता हूँ, AICC कहता है तो जाता हूँ, नहीं तो कहती है तो जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता हूँ। खैर अब अगले कुछ दिन हैं, 8-10 दिन बचे हुए, तो देखना दिलचस्प होगा कि सचिन वहां जाते हैं या नहीं जाते। इस बीच अशोक गहलोत ने थोड़े दौरे करने शुरू कर दिए हैं, झुंझुनू में भी चुनावी सभा की, कुछ अन्य जगह जाकर चुनावी सभाएं की। राहुल गांधी अभी आए बीकानेर की तरफ, तो वहां वो साथ में मौजूद थे। गुजरात में पालनपुर भी वो जाकर आए हैं, वहां भी चुनावी सभा करके आए हैं। तो अशोक गहलोत ये नहीं चाहते कि उन पर ये इल्जाम लगे कि बेटे के कारण वो पूरी तरह से बंद गए सीकर, सिरोही जालोर में, और समय ही नहीं निकाल पाए, बेटे को ज्यादा तरजीह दी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों के ऊपर, ऐसा कोई आरोप नहीं चाहते। आपको ध्यान होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अशोक गहलोत, पी चिदम्बरम और कमलनाथ का बाकायदा नाम लेकर कहा था कि अपने बेटों के चुनाव प्रचार में लगे रहे। हार गए थे चिदम्बरम के बेटे, गहलोत के बेटे दोनों हारे, नकुलनाथ जरूर कमलनाथ के बेटे चुनाव जीते थे। आगे सचिन पायलट का जो इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था उसमें वो कह रहे हैं कि आधी सीटों पर हम जीतेंगे, आधी यानी 12 सीटें। ये दावे में कितना दम है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस आज की तारीख में लोग कहने लगे हैं 7-8 सीटों पर सीटें निकालने की स्थिति में है। डबल डिजिट में तो खैर नहीं आ पाएगी कांग्रेस, ये तो तय है, लेकिन सिंगल डिजिट तो 1 भी है और 9 भी है, इसके बीच में कहां अटकेगी। कुछ लोग कह रहे हैं 5 सीटें तो निकालने की अच्छी खासी क्षमता है, जिसमें से कम 2 सीटें ऐसी हैं जो सचिन पायलट के समर्थक जीत जाएंगे। तो सचिन पायलट का सियासी कद अगर उनके समर्थक जीत जाते हैं तो बहुत बढ़ जाएगा। और अशोक गहलोत भी अलग अलग जगह जा रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की जीत की संभावना है वहां भी जा रहे हैं। जैसे वो दौसा भी जाकर आए, मुरारी मीणा जो कि सचिन पायलट के घोर समर्थक माने जाते हैं, वहां भी वो प्रचार करके आए और उसका असर जयपुर ग्रामीण से लेकर अगल बगल की सीटों पर भी हुआ। तो अशोक गहलोत भी ये मौका नहीं देना चाहते कि कल को कोई कहे कि उनके बगैर कांग्रेस जीत गई, उनकी भी जीत का जहां जहां कांग्रेस जीती वहां वहां वो भी चुनाव प्रचार में गए थे। सचिन पायलट भी कोई मौका नहीं चूकना चाहते कि जहां जहां कांग्रेस जीती वहां वहां वो भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे। गजब चल रहा है। चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। हाँ, ABP सी वोटर का नया सर्वे आया है जो कह रहा है कि राजस्थान में BJP को 55% वोट और कांग्रेस को 39% वोट और अन्य के हिस्से में 6% वोट आएंगे। इससे कांग्रेस वाले हताश हो सकते हैं। ABP के अनुसार पूरी 25 सीटें कांग्रेस हार जाएगी, BJP के खाते में चली जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल ये है कि आने वाले समय में और बाइपोलर चुनाव होगा और कांग्रेस 40% वोट का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर जाएगी, ये कुछ लोग कह रहे हैं। एक दूसरा एंगल, तीसरा एंगल ये है कि 2019 में BJP को 59 और कांग्रेस को 34% वोट मिला था। इस बार BJP को 4% वोट कम मिलता दिख रहा है और कांग्रेस को 5% वोट ज्यादा मिलता दिख रहा है। चौथी बात है कि कांग्रेस ने जब जब 40% वोट हासिल किए हैं, 40% या उससे ज्यादा, तब तक उसके पास में सीटें आई हैं। सीटें भले ही 5 आई हो 9 आई हो जो भी आई हो 8 आई हो, लेकिन सीटें आई हैं, खाता उनका खुला है। तो इस हिसाब से भी कांग्रेस का खाता खुलेगा, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा व्यक्त की जा रही है। और वैसे भी BJP का लक्ष्य है 25 की 25 सीटें जीतना, कांग्रेस का ये कोई लक्ष्य नहीं है 25 की 25 सीटें जीतना। सचिन पायलट भी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए 12-13 सीटों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का तो लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है कि खाता तो खुले, दूसरा लक्ष्य है कि कम से कम 5 सीटें तो आए, 4 से लेकर 5 सीटें आए। अब 7-8 सीटें आ जाती हैं तो बल्ले बल्ले। चलिए देखते हैं 4 जून को क्या होता है। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।